आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पे मैं सिर्फ लव स्टोरी वीडियो ही अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप सब मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात करीब 6 साल पहले की है, जब लड़की के पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया। वो कॉल एक लड़की का था, लड़के का फोन साइलेंट था तो लड़के को पता नहीं लगा। लड़के ने बाद में देखा तो कॉल बैक किया। फिर लड़की ने फ़ोन उठाया तो लड़के ने पूछा आप कौन। लड़की ने अपना नाम बताया पर लड़का उसे जानता नहीं था। इससे पहले कि लड़का और कुछ कहता, तभी लड़की ने कहा, नहीं गलती से आपके पास कॉल चला गया था, मैंने नंबर गलत इंटर कर दिया था, सॉरी। तो लड़के ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आपको कहाँ से। तो लड़की ने अपने गांव का नाम बताया। तो लड़के ने कहा, सच में मैं भी तो यहीं रहता हूँ आपके बगल वाले गांव में। लड़की का गांव लड़के के गांव से 4 किलोमीटर दूरी पर था। फिर दोनों की बात हो ही रही थी कि फ़ोन कट गया। लड़के ने फिर लड़की के पास कॉल किया तो लड़की का नंबर ऑफ आ रहा था। फिर लड़की को लगा शायद किसी वजह से फ़ोन ऑफ कर दिया होगा। फिर रात को लगभग 9 बजे लड़के ने फिर लड़की के पास फ़ोन किया तो लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़के ने पूछा, आपने फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया, हमारी बातें तो पूरी हुई ही नहीं और आपने फ़ोन भी ऑफ कर दिया। लड़की ने कहा, नहीं फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए ऑफ हो गया। लड़के ने कहा, अच्छा मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया क्या जो गुस्से में फ़ोन ऑफ कर दिया। लड़की ने कहा, नहीं ऑफ हो गया था इसलिए फ़ोन कट गया था। फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत बात की। बात करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए, दोनों को टाइम का पता ही नहीं चला। फिर लड़की ने कहा, नींद आ रही है मैं सोने जा रही। लड़के ने कहा, ठीक है सो जाओ। फिर लड़की ने फ़ोन रख दिया। अब लड़का रोज़ रात को लड़की के पास फ़ोन करने लगा, लड़की भी उससे बात करती थी। दिन में उनकी बात नहीं होती थी क्योंकि लड़की दिन में स्कूल जाती थी और लड़का भी जॉब करता था, तो दोनों को दिन में टाइम नहीं मिलता था, तो उनकी रात में ही बात होती थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए तो लड़का लड़की से प्यार करने लगा था और शायद लड़की भी। अब दोनों पूरी पूरी रात बात करते थे। करीब 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब लड़के को चेन्नई जाना था जॉब के लिए, तो लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की से कहा, मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा जॉब के लिए, अब मैं वहीं रहूँगा, वहीं से हमारी बात होगी। तब लड़की कहती है, नहीं अब मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, अगर तुम चाहते हो हमारी बात हो तो तुम जाने से पहले मुझे एक फ़ोन देके जाना। तो लड़के ने कहा, ठीक है कल शाम को मेरी ट्रेन है तो मैं जाने से पहले तुम्हें फ़ोन देने आऊँगा। लड़का अगले दिन लड़की के घर के बगल में जाकर लड़की को फ़ोन करने लगा। लड़के ने फ़ोन उठाया, लड़के ने कहा, तुम आओ और फ़ोन ले लो, यही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लड़की ने कहा, मैं नहीं आ सकती, मम्मी है, तुम जाओ इंतज़ार मत करो, मैं नहीं आ पाऊँगी और अब मैं कभी बात भी नहीं कर पाऊँगी। लड़का डर गया क्योंकि वो लड़की से बहुत प्यार करता था, वो लड़की को कभी खोना नहीं चाहता था। लड़के ने कहा, आ जाओ ना 1 मिनट के लिए, नहीं आ जाओ, फ़ोन लेकर तुरंत चले जाना। पर लड़की ने आने से मना कर दिया। लड़का कहता रह गया बाहर आने के लिए, लेकिन लड़की बाहर नहीं आई। लड़की ने फ़ोन काट दिया।
लड़की को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। लड़की का शाम को ट्रेन था तो उसे लेट हो रहा था तो उसे जाना पड़ा। अब चेन्नई जाने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया लेकिन लड़की का फ़ोन ऑफ था। लड़का सारी रात फोन करता रहा लेकिन लड़की का फ़ोन नहीं लगा। लड़के की आंखों में आंसू भर गए थे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए, लड़का रोज फ़ोन करता था लेकिन लड़की का नंबर ऑफ ही आता था। लड़का टूट चुका था, बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। वो बस लड़की से एक बार बात करना चाहता था, उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। और एक दिन लड़के ने फिर से लड़की के पास फ़ोन किया तो रिंग जाने लगी। लड़के का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने दिनों के बाद लड़की का नंबर ऑन हुआ था पर लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। लड़के ने 3-4 बार फ़ोन किया तो लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़का इससे पहले कुछ कहता, लड़की ने कहा, अब मैं बात नहीं कर सकती, मम्मी को पता चल गया है और अब फोन मत करना। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे, वो रोने लगा। ऐसे ही दिन गुजरता गया। लड़के को लड़की की बहुत याद आती थी लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो लड़की को भूल भी नहीं पा रहा था। फिर 2-3 महीनों के बाद लड़के ने फिर से लड़की के पास फ़ोन किया। लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़के ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम बात करो ना प्लीज़, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो लड़की कहती है, तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम फ़ोन मत करो, मेरी शादी हो गई है, परेशान मत करो। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के को इतना सुनते ही मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, आज भी करता है। वो लड़की से बस एक बार बात करना चाहता है लेकिन लड़की उससे कभी बात नहीं करना चाहती। वो बस उसकी यादों के सहारे ही जी रहा है। अब जब भी वो लड़की के पास फ़ोन करता है लड़की उसका फ़ोन नहीं उठाती और फिर वो लड़के का नंबर किसी और लड़के को दे देती है। लड़के को लगता है शायद ये उसका पति है जो लड़की के पास फ़ोन करता है। लड़का कन्फर्म नहीं था कि ये कौन है लेकिन लड़का जब चेन्नई से वापस घर लौटा तो उसने पता लगाया और तब उसे और भी दुख हुआ क्योंकि उस लड़की की शादी अभी भी नहीं हुई थी। लड़का जान चुका था वो लड़का जो उसके पास फ़ोन करता है वो लड़का उसका पति नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। लड़के को बहुत रोना आता है कि उसका प्यार अधूरा रह गया, उस लड़की ने उसे धोखा दिया जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसे आज तक पता नहीं चला कि उस लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अब लड़की के पास फोन नहीं करता है, बस उसकी यादों के सहारे ही जी रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी को किसी के साथ ऐसा करना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी स्टोरी भेजिए, हम जल्द ही आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हो तो हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको उसी चैनल पे अब सारी कहानियाँ मिलेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबके सपोर्ट और साथ के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। छुपे हो क्या।